हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में बात करेंगे। वो है सोफार। सोफार चैनल क्या होता है? मे बी आपने टर्म सुनी हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ओशन के अंदर एक चैनल होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले जो ना हमें कुछ डिस्कस करना होगा, वो है सोनार। सोनार क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड वेव्स को हम यूज़ करते हैं पानी के अंदर चीज़ों को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। रिसेंटली सबमर्सिबल टाइटन जो आपने देखा कि टाइटैनिक के है ना, जो भी मलबा है उसको देखने गया, उसके बाद वो वापस नहीं आया। तो डिटेक्शन कैसे होती है? अगर हम लाइट को साउंड के हिसाब से देखें तो देखो, लाइट जो है ना आपकी, अगर मान लीजिए मैंने इसको वाटर के अंदर यूज़ किया कि इसके थ्रू हम ढूंढते हैं चीज़ें, तो ये इतनी दूर तक नहीं जाती। फास्ट जरूर ट्रेवल करती है बट दूर तक नहीं ट्रेवल करती। बट साउंड जो है ना, साउंड स्लो ट्रेवल करती है एज़ कम्पेयर टू लाइट, बट ये फार वे दूर तक चली जाती है, ठीक है। यहाँ तक हमारा एक कंसेप्ट क्लियर है। दूसरा कंसेप्ट है कि जब हम साउंड का मीडियम देखते हैं कि किस मीडियम में जा रहा है, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वेलोसिटी जो है उसकी सॉलिड के अंदर और ज़्यादा होती है। तो मतलब जो एयर के अंदर अगर हम देखें, क्या टेम्परेचर के हिसाब से साउंड चेंज होती है? यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर 331 एंड 344 22 डिग्री सेल्सियस, ये कहाँ पे लिखा है? ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं कि साउंड का एक और फैक्टर, वो है कि लोकलाइजेशन ऑफ चीज़ें, ठीक है, मतलब थिंग्स चीज़ें बोल रहा हूँ। अब देखो, मान लो कोई इधर से मुझे आवाज़ दे रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा इधर से आवाज़ दे रहा है, ठीक है? ये इस तरह से पता चलेगा कि यहाँ से पहले साउंड मेरे इस कान में जाएगी, देन उसके बाद जो है इस कान में जाएगी। तो दोनों का डिफरेंस मेरा ब्रेन पता करता है और बताता है, भाई राइट साइड से बुला रहा है तुझे कोई। अगर इधर से कोई आवाज़ दे रहा है, देन पहले इधर साउंड आएगी, देन उधर आएगी, और फिर मुझे डिफरेंस देख के पता चलता है। एग्जैक्ट पीछे हो, एग्जैक्ट आगे हो, उसके बारे में हम इतने अच्छे से नहीं बता सकते। आगे मतलब अगर आँखें खुली हैं फिर ठीक है, अदरवाइज बंद आँखें हैं तो आगे आप नहीं बता सकते। अब पानी के अंदर जो है, मैंने आपको ये बताया कि ये तो हो गया एयर की बात, या लिक्विड के अंदर स्पीड तेज है, तो लिक्विड के अंदर क्या होता है, बड़ी तेजी से इधर आ जाता है, उसी तेजी से इधर, तो बीच में जो डिफरेंस है बहुत कम हो जाता है क्योंकि वेलोसिटी तेज है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, एक तो डिटेक्शन जो है एक यहां पर गड़बड़ है। दूसरी बात हम जब करते हैं कि वो है साउंड का जो अपना क्या बोलते हैं उसको चैनल, कि साउंड जो है वो पानी के अंदर, तो ये तो हमने जान लिया कि भाई साउंड जो है पानी के अंदर यूज़ की जाती है, सोनार को यूज़ किया जाता है। अब एक पानी के अंदर ना, ओशियन के अंदर एक नेचुरल जो है एक चैनल है जिसको बोलते हैं साउंड फिक्सिंग एंड रेंजिंग चैनल। ये चैनल कैसा होता है, इमेज के ऊपर चलते हैं। देखो, पानी के अंदर हम देखते हैं अलग अलग लेयर होती है टेम्परेचर के हिसाब से, ज़्यादा गर्म देन है ना, देन डेंसर, तो नीचे कोल्ड पानी आ जाता है, तो अलग अलग उसकी वजह से क्या होता है, जो थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन होती है, तो लेयर बन जाती है। अब उसी लेयर का जो साउंड है वो फ़ायदा उठाती है। जैसे यहाँ से चली तो इधर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे हुई, यहाँ पे इस तरह से जो है ना इस जोन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो है डेंसिटी का फर्क आ जाता है और टेम्परेचर का फर्क आ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये आगे आगे जो है ना मूव करती जाती है। अब इसी का यूज़ करते हैं कुछ डॉल्फिन वगैरह अपना कम्युनिकेशन के लिए, और जो ओशन के अंदर टेम्परेचर देखते हैं वो भी मेज़र करते हैं, और यहीं से जो है कम्युनिकेशन किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से और दूर तक ये ले जाता है। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड देखें ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर हाई है। अब सोफार चैनल के अंदर स्पीड ऑफ साउंड लो होती है एज़ कम्पेयर टू बाकी एरिया, एंड देन अगेन जो है हाई की तरफ मूव करती है। प्रेशर देखें तो नीचे जाता है, बढ़ता ही है। टेम्परेचर देखें तो नीचे जाके फिर लो हो जाता है। तो यहीं पे जो डिफरेंस है उसी में सोफार चैनल जो है इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम में भी आपने ना पढ़ा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको एक में भी किसी ने पढ़ाया ना हो, लेकिन एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं कि कहाँ से आ गया है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सोफार चैनल सीन इन न्यूज रिसेंट टाइम्स। ये आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। इट इज नेचुरली अकरिंग ओशियन चैनल, ठीक है। इट इज आल्सो नोन एज जोन ऑफ मैक्सिमम ओशियन स्पीड इन ओशियन। दिस चैनल इज स्ट्रॉन्ग पाथ फॉर कम्युनिकेशन बाय डॉल्फिन, वेल्स एंड सबमरीन। इट कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर ग्लोबल टेम्परेचर। तो ये ऑप्शन है, कितनी स्टेटमेंट सही है। देखो ये तो सही, अभी हमने पढ़ा नेचुरल अकरिंग चैनल है, ये भी ठीक है। जोन ऑफ मैक्सिमम नहीं, मिनिमम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट्स अ पाथ ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय डॉल्फिन, वेल्स एंड सबमरीन। तो ये तीन हो गए, तो अपना जो है आंसर यहाँ पे सी आंसर आ गया। सो ये था, ये बेसिकली कहाँ से, ये अपना शेखर टू शेखर बैच जो है वहाँ से जो है हमने जो वहाँ पे पढ़ाया गया टॉपिक। अच्छा बैच है जिसके अंदर काफ़ी बच्चों ने रिसेंटली एडमिशन भी ली, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।